दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में एक शो को सफल और यादगार बनाने का क्रेडिट जितना एक अभिनेत्री को जाता है, उतना ही एक अभिनेता को भी जाता है, जो कि टीवी शोज में अपने दमदार अभिनय और अपने कैरेक्टर की खासियतों को बखूबी निभाकर दर्शकों के बीच खूब पसंद किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहां टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने अपने किरदारों को निभाकर अपने शो में खूब प्यार पाया है, तो वहीं वर्तमान में कुछ ऐसे भी अभिनेता हैं जो अपने वर्तमान में अपने ही टीवी शो में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, तभी तो उन्हें फ्लॉप अभिनेता का भी टाइटल दिया गया है। और इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अभिनेताओं से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो अभिनेता। नंबर वन, अविनाश मुखर्जी। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम शुमार है अभिनेता अविनाश मुखर्जी का, जो कि वर्तमान में ससुराल सिमर का में आरव के किरदार को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं, इस शो में भले ही ये मुख्य अभिनेता है, पर इनका किरदार कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से इनकी स्क्रीन प्रेजेंस वैसे ही कम है। और जब ये इसमें हमेशा ही रोते हुए नजर आते हैं, तो दर्शक इन्हें देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और इसी वजह से ये भी इस शो में फ्लॉप होते जा रहे हैं। नंबर दो, जय सोनी। इस लिस्ट में नंबर दो पर नाम आता है अभिनेता जय सोनी का, जो कि ससुराल गेंदा फूल 2 में ईशान की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। पर जहां इन्होंने अपने इस शो के पहले सीजन से दर्शकों का खूब दिल जीता था, तो वहीं इस बार इनका शो में कैरेक्टर कुछ खास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इनकी एक्टिंग भी दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये भी शो में फ्लॉप हो चुके हैं। नंबर थ्री, माहिर पंधी। छोटी सरदारनी शो में राजवीर के किरदार को निभाने वाले अभिनेता माहिर पंधी इस शो में भले ही अपनी स्टार्टिंग से दर्शकों के काफी फेवरेट रहे हों, लेकिन बीते कुछ महीनों में इनका कैरेक्टर काफी ज्यादा बोरिंग बना दिया गया है, जिसकी वजह से ना तो इस शो की टीआरपी अच्छी आती है और ना ही लोग इन्हें इस कैरेक्टर में देखना पसंद करते हैं, और इसी वजह से ये भी इस शो में फ्लॉप हो चुके हैं। नंबर फोर, नकुल मेहता। अपने ही टीवी शो में फ्लॉप होने वाले अभिनेताओं में एक नाम अभिनेता नकुल मेहता का भी है, जो कि बड़े अच्छे लगते हैं 2 में राम के किरदार में नजर आते हैं, जिनका किरदार भले ही इनकी एक्टिंग की वजह से काफी अच्छा लग रहा हो, लेकिन इस शो में स्टोरी इतनी ज्यादा बोरिंग है कि शो के टीआरपी हमेशा ही सबसे कम रहती है, और इसी वजह से ये शो में फ्लॉप होते जा रहे हैं। नंबर फाइव, रणदीप राय। ये उन दिनों की बात है जैसे यादगार टीवी शो में आने वाले अभिनेता रणदीप राय भी हमारे इस लिस्ट में शुमार है, जिन्हें जहां इस शो के बाद बालिका वधू 2 में आनंद के किरदार में देखने के लिए दर्शक बेहद ही एक्साइटेड थे, तो वहीं इनका ये कैरेक्टर तो इस शो में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं निकला, और इसी वजह से ये भी इस शो में फ्लॉप अभिनेता बनकर रह गए। नंबर सिक्स, हर्षद चोपड़ा। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है अभिनेता हर्षद चोपड़ा का, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु की भूमिका निभाते हैं, जिनकी एक्टिंग भले ही शो में काफी अच्छी है, पर ये हमेशा ही इस शो में रोते हुए नजर आते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, और इसी वजह से लोग इन्हें इस शो में उतना ज्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में ये अभिनेता अपने ही टीवी शो में फ्लॉप बनकर रह गए हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।